हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज मैं आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी टूर पे हूँ। एंड थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ही एंजॉयमेंट है और बहुत ही एडवेंचरस पार्क वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पे है जो देखने को मिलता है। और यहाँ पे हर टूरिस्ट पर्सन को बहुत ही एंजॉयमेंट मिलती है और बहुत ही अच्छा दृश्य भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप भी देख रहे हो। ओके, तो थाईलैंड के अंदर हम टूर पे आए हैं ड्यू टू इंटरनेशनल। जैसे कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर हमने थ्री इयर्स प्लस वर्किंग कर रहा हूँ 2018 से। तो अभी इंटरनेशिया एक ऐसे कंडीशंस, ऐसे लेवल पे है कि अपने एम्प्लॉयज, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को अभी थाईलैंड टूर के ऊपर लेकर आया। डेट्स व्हाई आई एम टॉकिंग फ्रॉम थाईलैंड से, हम आपके साथ वीडियो बना रहे हैं। एंड थाईलैंड के अंदर बहुत सारी चीजें, आज 3 डेज हो चुका है, 3 दिन के अंदर बहुत सारे एंजॉयमेंट, बहुत सारे एडवेंचर्स प्लेस पे विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल कर रहे हैं। और कोई भी चीजें ऐसी नहीं जिसके लिए हमें पेबल करना पड़े, सभी कंपनीज की तरफ से और सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है, वो भी लग्जरीज होटल के अंदर। अभी हम बैठे हैं अवानी एट्रियम रिजॉर्ट के अंदर, जो कि 5 स्टार है, जो कि बैंकॉक के अंदर सिचुएटेड है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारी टीम की हार्डवर्क की वजह से और हमारे मार्क्यूस की हार्डवर्क वजह से और खुद के प्लानिंग की वजह से। तो मैं उन सभी को थैंक यू करना चाहूंगा, मैं टीम के हर एक पर्सन को, एंड स्पेशली थैंक्स इंटरनेशनल फाउंडर मोहित जोशी जी, जो कि इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा रिवॉर्ड इंटरनेशनल के अंदर हर एक वर्क करने वाले पर्सन के लिए है, जो कि हर एक पर्सन अपने लाइफ के अंदर वर्क करते करते मनी तो अर्निंग कर ही सकता है, लेकिन मनी अर्निंग करने के साथ साथ एक अच्छे खासे जगह पे भी ट्रेवल कर सकता है और अदर कंट्रीज के अंदर जाके भी दिल खोल कर एक्सपीरियंस कर सकता है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप इस टूर पे इतना कंफर्टेबल है कि आपको खुद से कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आपको रोज बसेस आ रहे हैं लेने के लिए। फैसिलिटीज में भी नॉर्मल पर्सन ऐसे फैसिलिटीज के अंदर कभी भी थाईलैंड के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनेशनल ऐसी प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कुछ महीने, कुछ इयर्स काम करने के बाद इंसान अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं किसी होटल के अंदर हूँ, अवानी एट्रियम होटल के अंदर हूँ, और बाहर का नजारा आपको दिखाया गया होगा, जो कि अभी प्लीज बाहर का थोड़ा दिखाओ। तो ये है हमारा MSIG का बिल्डिंग और उसके जस्ट सामने अवानी एट्रियम है, और बहुत ही बेस्ट है, हाईटेक सिटी है, जो कि थाईलैंड की राजधानी कैपिटल है। ओके, तो आप लोग भी जरूर घूमने आए, बहुत ही एडवेंचरस है। मैं लगभग 7-8 कंट्रीज के अंदर पहले वर्क कर चुका हूँ, ड्यू टू वर्क मैं घूमने गया था, नहीं वर्क करने गया था, लेकिन इंटरनेशनल के अंदर हम इंडिया में वर्क किए, लेकिन घूम रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो नेक्स्ट टारगेट है हमारा स्विट्जरलैंड, मलेशिया, थाईलैंड तो आ चुके हैं, एंड बैंकॉक भी आ चुके हैं, मैक्सिको, USA, न्यूयॉर्क जैसी कंट्री के अंदर हम जरूर आने टाइम के अंदर हम टूर करेंगे, घूमने जाएंगे। सो आप लोग भी अच्छे से एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, और आप लोग इंटरनेशनल के जो भी पर्सन हमारे वीडियोस को देखते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को मिलती है। जैसे कि बहुत सारे पर्सन को ज्वाइनिंग के समय एंड ज्वाइनिंग से के बाद भी बहुत सारे पर्सन कंफ्यूज में होते हैं कि जो हमारे रिवॉर्ड्स है, जो हमारे गिफ्ट्स है फ्रॉम इंटरनेशनल बताया गया, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप अभी सिर्फ सुन नहीं रहे, आप लाइव देख रहे हो,
कि इंडोनेशिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट रिवॉर्ड के एश्योर्स हम हैं, और हमारे साथ लगभग इंडोनेशिया का 43 मार्क्यूस एंड एम्बेसडर ऑल्सो इस टूर के अंदर मेंशंस हैं, और वो भी घूम रहे हैं, वो भी ट्रेवल कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि इंडोनेशिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन भी हमारे साथ ट्रेवल कर रहा है, और मैं भी बहुत नॉर्मल इंसान, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान, जो कि पॉसिबल नहीं था किसी फील्ड के अंदर 23 एज में कि इतने लग्जरी लाइफ एंड इतना एडवेंचरस टूर को मैं कर पाऊँ एक्सपीरियंस। सो आज कर पा रहा हूँ। तो कभी भी किसी बात चीज को, किसी भी प्लेटफॉर्म को दूर से देखने के बाद हम नहीं सोच सकते कि ऐसी है वैसी है। जब तक आप वर्क करेंगे नहीं, तब तक आपके साथ वो फेनोमिनन होगा नहीं, घटना घटेगी नहीं। तो वर्क करें किसी के ऊपर डाउट, और किसी भी चीज को सुनने से सिर्फ उसका डिसीजन नहीं लेना चाहिए, प्लस देखना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल के अंदर ज्वाइंट हो और वर्क कर रहे हो, तो थोड़ा और भी वर्क थोड़ा हार्ड करने की जरूरत है। और आपको अभी तक अगर कोई भी रिवॉर्ड्स और इंटरनेशनल टूर की रिवॉर्ड्स नहीं मिली है, तो थोड़ी सी और मेहनत करो, थोड़ा और एफर्ट लगाओ प्लानिंग के साथ। डेफिनेटली इंटरनेशनल आपके सारे ड्रीम को पूरा करके देगा, और आपको मनली थाईलैंड ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड भी टूर कराएगा। सो मुझे बिलीव है, और कंपनी का स्टार्टअप से ही हम वर्क कर रहे हैं। वी आर पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिविटी से ही ये सब कुछ संभव हो पाया। बिकॉज मेरे साथ ही बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं, मेरा पहला वीडियो भी है तो उसके अंदर भी है बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी का। तो मैंने बताया है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को कि अगर अपने वर्क पे अगर आपको बिलीव है, तो आप इंटरनेशिया ही नहीं बल्कि आप हर एक फील्ड के अंदर टॉप पे पहुंचेंगे। लेकिन इंटरनेशिया में अगर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे, तो इंटरनेशिया के अंदर आपके ड्रीम भी कंप्लीट होंगे और आप टॉप पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और अर्निंग भी अच्छी खासी होगी, जिससे आने वाले टाइम के अंदर आप कंपनी की तरफ से ही नहीं बल्कि खुद के एक्सपेंस से पूरे फैमिली को आप इंटरनेशनल टूर पे लेकर आ जा सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड घूम सकते हो। तो सो कीप पॉजिटिव, कीप इंस्पायरिंग, इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करो और बी पॉजिटिव रहो। इंटरनेशनल के अंदर जरूर आपके सारे रिवॉर्ड्स, सारे चीजें जो बताई जा रही है, वो सारी चीजें कंप्लीट होगी। बहुत सारे पर्सन अभी जस्ट ज्वाइन किए होंगे, उनको लग रहा होगा कि इंटरनेशनल टूर मिलता है नहीं मिलता है। आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल टूर के अंदर हम ऑलरेडी 4 3 डेज एक्सपेंड कर चुके हैं, आज चौथा दिन है, 4th डे आज, कल टुमोरो मे बी इवनिंग 5 o'clock एंड 5:30 हम फ्लाई कर जाएंगे इंडिया के लिए। सो मेहनत करो, और जी जान से मेहनत करो, और अपने लाइफ को कन्वर्ट करो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, और आपका ही ड्रीम है। कोई और भी पर्सन्स नहीं आएगा आपके ड्रीम कंप्लीट करने के लिए, आपको ही करना पड़ेगा। नो बडी कैन डू दिस फॉर योर फैमिली, एंड ओनली यू कैन डू दिस फॉर योर फैमिली एंड ऑल अवर, की सभी चीजें आपको अपनी लाइफ की आपको खुद से ही करनी चाहिए और खुद से ही करनी पड़ती है। अगर दूसरे के होप में रहेंगे, दूसरे के चीज में अगर बिलीव करेंगे, एक्सपेक्टेशंस बहुत बेकार चीज होती है, एक्सपेक्टेशन कभी नहीं करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। तो किसी और से एक्सपेक्टेशन करेंगे तो एक्सपेक्टेशन बार बार ब्रेक होगा। खुद में बिलीव करो कि आई कैन आई विल, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप उस मुकाम पे होंगे। बाकी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बताना चाहूंगा, तो बाकी इतना काफी है। आप अपने आप को बेस्ट करो अपने नजर में, अपने टीम की नजर में, और अगर कोई इंटरनेशनल से बाहर से देख रहा है, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है, तो बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज करो। मैं ये नहीं बोलता इंटरनेशनल इज वन ऑफ द, सिर्फ वन एंड ओनली इंटरनेशनल हैव इंडिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वन बेस्ट कंपनी एक ही नहीं है इंटरनेशनल इंडिया के अंदर, लेकिन चूज करना पॉसिबल नहीं होता है लोगों के लिए कौन सी कंपनी हमारे लिए लॉन्ग टर्म होंगी, कौन सी कंपनी हम में हमारा फ्यूचर बन पाएगा, कौन सी कंपनी हमारे सपोर्ट सिस्टम बेस्ट मिलेगा, कौन सी कंपनी के अंदर हर एक कमिटमेंट पूरे किए जाएंगे। तो ये चूज करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, इतनी अच्छी इनकम प्रोवाइड करता है विदाउट एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग किए हुए। तो मेहनत करो। तो मैं ये नहीं बोलता इंटरनेशिया ही एक कंपनी है जो इंडिया की है जो कि बेस्ट है, नहीं, सभी कंपनी बेस्ट है, बस वहां का सपोर्ट सिस्टम देखो, वहां की कमिटमेंट
पूरा करने की सिस्टम देखो कि वो कंपनीज वहां के कमिटमेंट को अपने कमिटमेंट को पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो उन चीज को देखिए और ज्वाइन कीजिए, और थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती है बीच में, उसको फेस कीजिए तभी आप उस जगह तक पहुंच पाएंगे। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हमारे महाभारत के अंदर और हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसके अंदर भी बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं, बहुत सारी कठिनाई को फेस किया गया है। जस्ट लाइक सबसे बड़ा कैरेक्टर हमारे सामने हनुमान जी है, जो कि अपने गुरु और अपने आइडल राम भगवान के पत्नी सीता की हरण होने के बाद, वो किडनैप के बाद जब हनुमान जी उनको खोजने निकले थे, तो समुद्र 7 ओशियंस को समुद्र को पार करने के बाद ही वो श्रीलंका गए थे। श्रीलंका के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई थी, समुद्र जब वो लांग रहे थे एंड फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे, तो बहुत सारे राक्षस आए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया था। देन उसके बाद सीता माता को वहां से सेफ लेकर आए थे, पॉसिबल तब हुआ था जब वो प्रॉब्लम को फेस किए थे। अगर प्रॉब्लम को नहीं फेस किए होते तो शायद वो स्टोरी कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता। और प्रॉब्लम को फेस किया एक इंसान ने, जिससे उस पूरे स्टोरी को सक्सेस करके इंडिया के अंदर सीता मैया को लेकर आए। सो इतना याद रखो कि उतना बड़ा हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उतना बड़ा हमारे इंटरनेशनल के अंदर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो ऑल ऑफ यू गाइस कीप पॉजिटिव, कीप इंस्पायर्ड, अपने आप को इंस्पायर रखो और अपने अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ रखो कि वो किसी और के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अपने टॉकिंग स्किल्स को बिल्ड करो, अपने टॉकिंग स्किल्स को बिल्ड करो, अपने हर एक चीज को स्ट्रांग करो, और प्लीज लगे रहो, बने रहो, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मेहनत करो, जी जान लगाओ, और डेफिनेटली यू विल बिकम अ मार्क्यूस एंड यू विल ऑल्सो अचीव इंटरनेशनल टूर। इंडोनेशिया जल्दी से जल्दी आपको एक इंटरनेशनल टूर पे लेके जाएगा, और बहुत जल्द ही आप एक ऐसे ही मुकाम में पहुंचेंगे जहां पे अदर पर्सन, आपके सोसाइटी का कोई ऐसा पर्सन नहीं पहुंचा होगा, वहां पे आप जरूर पहुंचेंगे। और बहुत ही कम एज में, बहुत ही कम टाइम के अंदर कोई ग्रोथ करता है तो आप होंगे, इंटरनेशनल्स होंगा पूरे देश के अंदर जो छा जाएगा। मेरा बिलीव है कि आप इस वीडियो देखने के बाद जरूर अगर इंटरनेशनल के अंदर होंगे तो आपकी रफ्तार 4 गुनी हो जानी चाहिए, आपका वर्किंग 100% 200% हो जाना चाहिए, और आपकी अचीवमेंट एक नहीं दो नहीं, आपके लाइफ के सारे ड्रीम्स आप अचीव कर पाओ। तो मेरा बेस्ट ऑफ लक है एंड बेस्ट विशेस है फ्रॉम बैंकॉक से मैं आपको विशेस कर रहा हूँ कि जरूर आप अपने लाइफ के सारे सपने को पूरे करें, और ये पूरा करने का एक ही मात्र प्लेटफॉर्म है नीट एंड क्लीन। मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इंटरनेशनल इज द वन ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर आवर इंडिया, ऑल आवर इंडियन, ऑल आवर यंगस्टर जो इंडिया के अंदर लीव करते हैं, लाइव करते हैं। मेहनत करो, इफ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज यू आर पॉसिबल। मेहनत करो, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो अपलोडेड होने में टाइम लगता है। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।